दोस्तों बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। देखिए यार, जियो फाइनेंशियल ने अच्छी तेजी के साथ अपनी क्लोजिंग करी, और अराउंड देखा जाए 380 की जो लेवल है वो दोस्तों वो ब्रेक हो चुके हैं, और देखा जाए 3.5% का मोमेंटम आज स्टॉक ने दिखाया है। अब यहाँ से दोस्तों टारगेट क्या दिखेंगे, क्या स्टॉक यहाँ से दोस्तों 400 का लेवल पार कर पाएगा या प्रॉफिट बुकिंग दिखा देगा। देखो जो अपने टारगेट है ना वो तो दोस्तों अभी भी बरकरार है 420 रुपए के, और देखा जाए दोस्तों तो इलेक्शन से पहले पहले ये टारगेट हमें देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों हर एक लेवल पे हर एक रेंज में मैंने आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बताई थी। जब ये 205 रुपए पे था तब भी मैंने कहा था, जब ये 300 रुपए पे है तब भी मैंने कहा था, जब ये 350 पे ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बताई थी। एंड अभी भी दोस्तों मैं एक चीज कह रहा हूँ कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे, जिनका व्यू आने वाले टाइम 1 2 साल 5 साल का है, वो अगर अच्छा स्टॉक चुन रहे हैं तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप फोकस में रखना चाहो तो जियो फाइनेंशियल को रख सकते हो, क्योंकि जियो फाइनेंशियल की जो आगे के प्लान ना भाई वो तगड़े। कंपनी ने अभी दोस्तों काम स्टार्ट किया भी नहीं है ठीक से, ठीक है ना। अभी से आप देखोगे तो भाई स्टॉक का प्राइस जो है वो लिस्ट होके किस कदर भाग रहा है आप समझ सकते हो, पिछले 1 साल में लगभग ही डबल हो चुका है। और देखा जाए दोस्तों डाटा वीक के टाइम तो 378 के आज के ओपनिंग थे, एंड यहाँ पे 384 के स्टॉक के जो हाई थे, एंड बाउंड वीक का ही देखा जाए दोस्तों स्टॉक का तो यहाँ से हमें आज एक नया जो बाउंड वीक आई है वो लगता हुआ देखने को मिला। और देखा जाए अब दोस्तों डेली यहाँ से बाउंड वीक का ही टूटता हुआ देखने को मिल सकता है। मेन चीज यहाँ पे 4.86 करोड़ की टोटल वॉल्यूम रही है, एंड इसमें से अगर हम डिलीवरी का परसेंटेज देख ले तो भाई 40% के आसपास की आज की टोटल डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है। मेन चीज एमओवी के टाइम पॉजिटिव है 44,000 शेयरों के साथ। देखो कल शाम मतलब संडे को अपना वीडियो आया था, एंड मैंने आपको कहा था कि कल तेजी आ सकती है, एंड तेजी में 4-5% की दिखेगी, एंड यहाँ से आप देखेंगे तो आज इंट्राडे में 4.5% के आसपास तो हमें ये चढ़ता हुआ देखने को भी मिला है, मतलब 3-4% के आसपास की रैली हमें स्टॉक ने दिखाई है। और देखा जाए दोस्तों अभी के टाइम दबा के बाइंग की जा रही है। देखो लॉन्ग टर्म वालों एक चीज समझो, जो लोग लंबा व्यू लेके बैठे ना उनको समझना चाहिए कि कंपनी का कारोबार क्या है, ठीक है ना। अगर देखो ये वो कंपनी जिसके पास कारोबार करने के लिए ना तो पैसे की कमी है ना ही अनुभव की कमी है, एंड यहाँ पे एक नई अच्छे मैनेजमेंट की कमी है। कंपनी के पास दोस्तों मेन चीज किसी को बिजनेस के चलाने के लिए चाहिए होता है फाइनेंस, ठीक है ना, पैसा। एंड ये एक अच्छे मतलब रेपुटेड कंपनी है, ये एक रेपुटेड कंपनी का इसके पीछे हाथ है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। अब देखो इसका बिजनेस अगर हम देखें, पहला कंपनी ने हाल ही में दो बिजनेस को लेकर कंपनी ने हाल ही में जानकारी, देखो फाइनेंस का मतलब फाइनेंस कंपनी फाइनेंस करती है तो आप कंपनी के नाम से ही आप समझ सकते हो कि जियो फाइनेंशियल फाइनेंस का काम करती है। पहला बिजनेस तो फाइनेंस का ही है, ठीक है। अब दो एक साइड दो बिजनेस हो रहे कंपनी के, यहाँ पे पहला है ब्रोकिंग जैसा कि कंपनी ने हाल ही में बताया था, तीसरा बिजनेस यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट का। तो भाई आप समझ लो आने वाले टाइम में रेवेन्यू किस कदर बढ़ेगा। अभी के टाइम जो 700-800 करोड़ के रेवेन्यू है, 400-500 करोड़ के, वो दोस्तों हजारों में जाएंगे यहाँ से इन दोस्तों। उसके बाद आप देखना जो आप बोलते हो कि भाई पी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, ये पी बिल्कुल सस्टेन्स होकर अराउंड यहाँ से 15-20 का हमें देखने को मिलेगा, तो ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का मौका बन रहा है। अभी प्रॉफिट एंड रेवेन्यू कंपनी का बढ़ना स्टार्ट नहीं हुआ, जब स्टार्ट होगा तब आपको ये प्राइस पे नहीं मिलेगा, तब ये दोस्तों आपको कम से कम 900-1000 रुपए के आसपास जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये उन इन्वेस्टर के लिए मौका है जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है ना। अभी के टाइम देखो डाटा बता दूं मैं, रिजल्ट कंपनी के अच्छे आ चुके हैं, एंड जो हमने यहाँ पे अनुमान लगाई थी उस हिसाब से रिजल्ट कंपनी ने दिए हैं। दूसरी चीज यहाँ पे इंट्राडे में आज देखो आज एक अच्छी तेजी के साथ स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग करी है। मार्केट में भी दोस्तों एक अच्छा बाउंस था, अराउंड मार्केट 190 पॉइंट के आसपास हमें अपसाइड में क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। अब आगे के टारगेट क्या रहेंगे दोस्तों, क्या यहाँ से 400-450 जाएगा या 500 जाएगा या इस रेंज से प्रॉफिट बुकिंग दिखा के कंसोलिडेट करेगा, वो एक बार हम टेक्निकली व्यू के हिसाब से समझते हैं। देखिए मार्केट में तेजी थी इस वजह से भी स्टॉक ने आज एक अच्छा बाउंस दिया, एंड अगर मार्केट वोलेटिलिटी में रहता तो ये भी वोलेटिलिटी में देखने को मिलता। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों कि अभी के टाइम जो टेक्निकली व्यू है, जो देखो टेक्निकली व्यू है जो शॉर्ट टर्म में काम करता है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में टेक्निकली व्यू काम नहीं करता। अभी के टाइम टेक्निकली व्यू हम शॉर्ट टर्म इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे टारगेट यहाँ से 420 रुपए का, तो 420 कितना टाइम में जाएगा वो हम देखेंगे। देखो पहली चीज अगर हम देखें दोस्तों आरएसआई, तो 64 का आरएसआई भी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है जो कि ज्यादा ओवरबोर्ड भी नहीं है यहाँ से, ठीक है। एंड जो तो ब्रेकआउट है ना स्टॉक का वो स्टॉक ने आज यहाँ पे दिया है। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि हाई एंड हाई के पैटर्न यहाँ पे हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ से एक चीज आप समझो दोस्तों कि देखो तेजी कैसे आती है, तेजी ऐसे आती है यहाँ से देखो दोस्तों कंसोलिडेट था, फिर तेजी आई, फिर गिरा, फिर तेजी, फिर आई, गिरा, फिर तेजी, फिर गिरा, फिर तेजी, एंड फिर से यहाँ पे तेजी एंड फिर से गिरा। अब यहाँ पे देखो
हाई, ये जो हाई था यहाँ पे टूटा, ये हाई यहाँ पे टूटा, बार बार इस लोग अपने हाई को ब्रेक कर रहा है। इसको हम कह सकते हैं हाई एंड हाई के पैटर्न यहाँ पे, ठीक है ना। तो हाई एंड हाई के पैटर्न ये क्रिएट कर रहा है, एंड यहाँ चांस है कि दोस्तों यहाँ से स्टॉक अराउंड 390 के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग फिर से दिखाए, अराउंड 80 के आसपास का, एंड फिर से वहां से ये तेजी दिखाए, एंड फिर यहाँ से ये 400 का जो लेवल है वो तोड़ दे। तो टोटली व्यू के हिसाब से अगर देखें हम, टेक्निकली तो स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है, कंटिन्यू भाग रहा है, एंड जो सपोर्ट लेवल अभी के टाइम आपका, कि अगर आप सपोर्ट भी देखना चाहो कि भाई अगर मैं शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना चाहूँ या फिर रिस्क लेना चाहूँ तो मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन सा बनेगा, तो वो दोस्तों आपका यहाँ पे 365 रुपए का अभी के टाइम नजर आ रहा है, ठीक है ना। 365 रुपए का सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है, तो वेट करिए। एंड जो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू सबसे अच्छा इस स्टॉक में आपके लिए रहने वाला है। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को वेट कर लीजिएगा ताकि